সবাই আমার সঙ্গে গাইবে, আগুনের ভরস মরি Oh,
Light is the power of God, which removes the all darkness of our life. ईश्वर हम लोग का लाइट है, प्रकाश में अंधेरा दूर हो जाती है। एक प्रकाश जो हम लोग बाहर का देखना हो, इस प्रकाश से क्या सूरज का करोड़ों प्रकाश से आप भगवान को देख नहीं सकते। आप अपने अंदर आत्मा को देख नहीं सकते, उस आत्मा को देखने के लिए ईश्वर का लाइट, उसी लाइट से आप भगवान को देख सकते। जैसे हम लोग सूरज को देखते कैसे, इतना तेज प्रकाश सूरज के लाइट से सूरज को देखते हैं। इसी प्रकार परमात्मा का देखने का हम लोग का क्षमता नहीं है, परमात्मा का प्रकाश ही हम लोग उसको देख सकते हैं। इस कारण से अगर हमारा जिंदगी का सारी अंधेरा दूर करना है तो फिर वही ईश्वर का लाइट चाहिए। ईश्वर का लाइट बिना हमारा जीवन में शांति, सुख, आनंद की प्राप्ति नहीं है। आप कितना भी कोशिश कर लो, लेकिन राजा महाराजा क्या चक्रवर्ती राजा इस संसार को पकड़ के दुखी हो गया। अंतिम में शांति का खोज में जब निकला तो वही परमात्मा का संधान किया। हम लोग बुद्धिमान ज्यादा है, इसीलिए परमात्मा को छोड़ के हम लोग संसार में वो लाइट ढूंढ रहे। जैसे हमारा चिंता और भय हमेशा लगा हुआ है, चिंता भय से कोई मुक्त नहीं है, तो हम लोग का वेद वेदांत तो उपनिषद यही बात बोलते हैं। जो आपको चिंता भय से कैसे मुक्त होगा, एक अंधेरा में एक रस्सी पड़ा हुआ है, हर रस्सी को सभी सांप बोल रहे हैं। कोई बोलते सांप है, कोई बोलते रस्सी है, लेकिन सबको चिंता और भय है। आप चिंता भय अधेरा में दूर नहीं कर पा रहे। भ्रमण आयन जंत रूढ़ हानि माया, मेरा अंधकार भी इस संसार भ्रमित हो रहे। सच का झूठ देखता है और झूठ को सच देखता है। अब इस संसार को जो देख रहे हैं, ये सच है न झूठ है,
हम एक आदमी के साथ हमारा रिलेशन है, ये मेरा पिताजी था। पिताजी को मैं कैसे जानता हूँ? ये देवों को ही जानता हूँ। जब पिताजी गुजर गया, जब पिताजी मर गया, तो मैं देव को क्या सच ना झूठ समझूंगा? उस देव को क्या सच क्या झूठ क्या बोलेंगे आप? जो मरा हुआ देव जो पड़ा हुआ है वो सच है ना झूठ है? तो अभी भी तो देव झूठ ही है। तो हमारा रिश्ता किससे है? झूठ से है। जो झूठ का लक्षण क्या है? हमेशा जो परिवर्तन हो रहा है, और वही परिवर्तन जो होता है वो विनाश हो जाते हैं। इसीलिए हमारा देह मन बुद्धि हमेशा परिवर्तन हो रहे, और यही हमको दुख का मूल कारण है। तो वो रस्सी को अंधेरा में जो पड़ा हुआ है, लाखों आदमी बोले सांप है, कोई बोलते नहीं सांप नहीं रस्सी है, तो वहां क्या है? एक आदमी लाइट है। लाइट से जब देखा, देखते मात्र ही सब चिंता भय से मुक्त हो गया। क्या देखा? वो रस्सी है। अब रस्सी देखने का बाद सब ये आदमी चिंता भय से मुक्त हो गया। इसी प्रकार जब हम लाइट में अपने स्वरूप को देखता हूँ, पिताजी के स्वरूप को देखता हूँ, तो मैं सब चिंता भय से मुक्त हो जाता हूँ। क्योंकि वही लाइट से जब आत्मा ज्ञान होता है, आत्मा जरा व्याधि खुदा तृष्णा जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त है, उसमें क्या है? तीन शक्ति है, वो सच है, वो चैतन्य स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप है। तो आपका अंदर तो वो निरंतर वो आनंद अंदर ही है, लेकिन आप उसके छोड़ के बाहर का दुनिया में आप शांति सुख आनंद दे रहे। जो आनंद को प्राप्त कर लिया अंदर, और ये संसार का कोई भी परिस्थिति उसको दुख नहीं दे सकते, क्योंकि वो जानते हैं वो दुख नहीं देते। संशय आत्मा बिना स्थिति। तो राजा जनक रात पर चलाता था, तो सुखदेव गया उसके पास ज्ञान लेने। तो सुखदेव जी बोला, ये भोगी है, ये थोड़ा ब्रह्म ज्ञानी है। सुखदेव उसी समय जन्म लिया जिस समय धरती में माया नहीं था। माया को बैस जी ने तपस्या करके उस समय माया को बंद कर दिया। जन्म लेते सुखदेव जी जंगल जाने लगा। बोले कौन पिता कौन पुत्र है? हम ना पिता है ना पुत्र है, हम पिता पुत्र से ऊपर है। तो बोला पुत्र, बैस जी अपने पुत्र पुत्र करके उसके पीछे भाग रहे, लेकिन पुत्र का कोई माया उसको पकड़ नहीं पा रहे। तब भी बोला, पुत्र तुमने जन्म लिया, ब्रह्म ज्ञान जब तक नहीं होगा तुम्हारा इस देह का सफल नहीं होगा, मनुष्य जीवन तुम्हारा सफल नहीं होगा। जाओ राजा जनक के पास। बोले पिताजी किसके पास हमने भेजा है? वो तो भोगी है, वो अपना सारी राजपाट वहाँ सारी सुख राजा का भोग रहे। तो बैस जी बोला, पुत्र तुमको समझ में नहीं आया,
तुम जाओ, तुम वैराग्यवान है लेकिन तुम उसके शरण में जाओ, उसके शरणागत हो, तब तुमको पता चलेगा वो कितना त्यागी है। तो सुखदेव आया, बोला हम ब्रह्म ज्ञान चाहते हैं। बोले ये हाथ में तुमको जोत जला के दे देता हूं, इसके लेके जनकपुरी घूम के आओ, जनकपुरी मेरे सुंदर है। तो जनकपुरी घूम के आया, अगर तुम्हारा जोत बुझ गया तो तुमको ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलेगा। अब साड़ी जनकपुरी घूम के आया, उसके जोत ऐसे ही चल रहे थे। तो बोला सुखदेव जी आपने क्या देखा, हमारा जनकपुरी इतना सुंदर है आपने देखा है? बोले नहीं मैं कुछ नहीं देख पाया। बोले क्यों? बोले निरंतर मेरा ये ज्योत में ध्यान था और इस ज्योत में ध्यान रखने के कारण मैं कुछ भी नहीं देख पाया। बोले सुखदेव तुम्हारा पिताजी मेरे को ब्रह्म ज्ञानी बोला, मेरा भी स्थिति इसी प्रकार है, मैं निरंतर आत्मा में लीन रहता, उस आनंद में मगन रहता हूँ। इस संसारिक आनंद कोई भी चीज हमको स्पर्श नहीं कर पाते। दूध से जब मक्खन अलग हो जाते हैं तो मक्खन को पानी में रखो क्या दूध में रखो, वो कभी आनंद मिलेगा नहीं। जब मक्खन और दूध अलग हो जाते हैं तो मिला सकते, कोई युक्ति है मिलाने का? तेल और पानी एक साथ दे दिया तो मिला सकते? इसी प्रकार जब ब्रह्म ज्ञान हो जाते और इस संसारी कोई वस्तु से उसको स्पर्श नहीं कर पाते, वो हमेशा उसी प्रकार निरंतर संसार में रहते हुए भी वो डूबते नहीं, वो तैरते हैं ऊपर ऊपर तैरते रहते। आप लोग क्या है, संसारी आसक्ति मोह अटैचमेंट आपको डुबा रहे हैं, आपको दम निकाल जा रहे, आप वित्तीय स्थान आपको मन में जलन अशांति भरा हुआ है, क्योंकि आप कोई किनारा ढूंढ नहीं पा रहे हैं। उस दुख से बचने के लिए निकालने के लिए एक दुख से तो निकल गया, फिर दूसरा तैयार हो जाते हैं। तो भगवान बुद्ध ने यही दुख को पहले अपने राज पर देखा, तो देखने के बाद दुख को निवारण का रास्ता नहीं ढूंढा, दुख कैसे विनाश हो जाए हमेशा के लिए वही रास्ता ढूंढा। पहाड़ में अपना वही जो निरंतर अपना परमात्मा में समाधिस्थ है उसके पास जाके पूछा, जिस संसार का दुख का निवारण का रास्ता नहीं ढूंढा मैंने, मैं आपको पास आया दुख का विनाश करने का रास्ता बताइए। बोला राजन ये युक्ति मेरा पास नहीं है, आप जाओ अब ढूंढो, दुख का विनाश कैसे होगा, हमेशा के लिए दुख का विनाश। तब भगवान बुद्ध ने कितना कष्ट उठाया, कितना भिक्षा मांगा, राजा होते हुए भिखारी बन गया, दार दार भिक्षा मांगने जाता था। सब बोलते राजा, बोल मैं राजा नहीं हूं,
मैं भिखारी हूं। भगवान बुद्ध इतना ही सुंदर था देखने में, सभी उसको राजा संबोधन करते थे, लेकिन वो बोलते मैं भिखारी हूं, भिक्षा मांग गया, अपना राजा का भावना को भूल गया, भिखारी बन के जंगल में भटकते हुए, गोपाल जंगल में भटकते हुए अपना एक दिन क्या हुआ, पानी प्यास लगा तो पानी पीने गया, तो पानी प्यास जब पीने गया तो देखा एक जंगली जानवर वहां से क्रॉस किया, तो वो पानी गंदा था। भगवान बुद्ध इतना थका हुआ था, बैठ गया आराम से, तो क्या देख रहे, पानी धीरे 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 शांत हो रहे, और जैसे जैसे शांत हो रहा है वो जो पानी धूल मिट्टी से भरा हुआ था, वो मिट्टी जैसे जैसे बैठा तो पानी एकदम साफ हो गया, इतना साफ हो गया शीशा के मापिक जो ऊपर से नीचे तक भी दिखाई दे रहा है, नीचे क्या क्या है। तो भगवान बुद्ध को मिला, मैं इधर उधर भटक रहा हूं, ये तो भटकने से नहीं होगा, कहीं एक जगह अपना स्थायी रूप से बैठ जाऊं जहां मेरा अंदर ही वही निवारण का रास्ता है। दुख का हमेशा निवारण का रास्ता है तो उसको हमारा अंदर ही जब शांत होगा, मन बुद्धि इंद्रिया चारों तरफ से भागना बंद कर देगा, स्थिर हो जाएगा, शांत हो जाएगा, तब ये अंदर क्या अनुभव किया, अनंत प्रकाश, वही आत्मा से निकल रहे हैं, वैसी प्रकाश से सारा धरती को देख देख पा रहे, तारा नक्षत्र चंद्रमा सूरज, भगवान बुद्ध देख रहे, अरे ये तो मेरा ही प्रकाश है, सारा दुनिया में फैलते जा रहे, यही प्रकाश, उसमें आनंद है, उसमें शक्ति है, उसमें शांति है। तो वो प्रकाश कहां से निकल है, वही आत्मा, आत्मा जरा वैदि खुदा तिसना जन्म मृत्यु सबसे बड़े हैं, आत्मा ज्ञान जी हम जन्म जन्म का दुख को विनाश कर सकता हूं हमेशा के लिए, और हमेशा के लिए शांति सुख को प्राप्त कर सकता हूं। तो राजा जनक वही ज्ञान दिया, यदि देहो पिथन किता चितिं विश्राम तिष्ठति अधूर दैव सुखम शांति बंधन मोक्ष भविष्यति। तुम्हारा अंदर भ्रम से, तुम अज्ञान से, अहंकार से तुम बांध गया, आत्मा इन देहों का से नहीं बांधते, ये जरा व्याधि आत्मा में कुछ भी नहीं है। क्या बोला है, इस संसार में दो शक्ति है, एक जड़ है एक चैतन्य है, तो चैतन्य शक्ति जब अलग हो जाते हैं तो चैतन्य शक्ति में ये सारी सृष्टि छुपा हुआ है, और इसी से आत्मा से हमारा जन्म मृत्यु का चक्कर में घूमते रहते। जब आत्मा ज्ञान हो जाते तो देखते हैं जीव ब्रह्म ना पड़ो, जीव ही ब्रह्म हो गया, और ब्रह्म क्या है, वही आत्मा है, और आत्मा ब्रह्म का अर्थ है सारे ब्रह्मांड में फैल गया, तो वही ब्रह्मांड भगवान क्या बोलते हैं, जो मैं ही सारे ब्रह्मांड का मालिक हूं,
तो आप फिर क्या चीज का अभाव है, क्या चीज के दुख है, क्या चीज के कष्ट है? सिर्फ हम आत्मा से बिछड़ जाने के कारण हम दुख कष्ट अशांति भोग रहे हैं। आत्मा से जुड़ जाए तो सारे दुख तकलीफ कष्ट उसका नाश हो जाते हैं। तो चैतन्य सब कुछ का सृष्टि करते हैं, इसलिए चैतन्य में जो समा जाते हैं तो फिर वो परिवर्तन को रोक देते हैं और कभी परिवर्तन नहीं हो सकते। तो इस कारण से आत्मा ज्ञान होने के बाद जीव हमेशा स्वतंत्र हो जाती है। इस संसार में रहते हुए भी वो किसी में लिप्तमान नहीं होते, सब कुछ का अंदर रहते हुए भी वो निलिप्त है, उसमें ना दुख का, ना सुख का, ना कष्ट का, ना शांति का कोई भी इस पार से नहीं होते, वो सब कुछ का पार कर देते हैं। तो आत्मा अब से कितना दूर है? कबीरदास जी यही बोल रहे हैं, बोले भगवान बोल रहे हैं कहाँ मेरे को तू ढूंढ रहे, मैं तो तेरा पास ही हूं, तेरा अंदर ही हूं, तू मेरे को कहाँ ढूंढ रहे। तो इसी प्रकार हम लोग जो सुख ढूंढ रहे हैं, आनंद ढूंढ रहे, कष्ट मिटाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, आत्मा शक्ति जब जागृत हो जाते तो सब खत्म हो जाते। तो भगवान बुद्ध वही आत्मा ज्ञान होने के बाद सारे जगत को सुनाया और सारे जगत को दुख का विनाश किया। दुख का निवारण नहीं, हम लोग ज्योतिषी के पास जाते हमारा बिजनेस नहीं चल रहा कैसे चलेगा, अब निवारण बताइए, उसको बोल दे दुकान छोड़ दे, वो नहीं छोड़ेगा। हमारा काम ठीक से नहीं हो रहा है तो कोई उपाय बता दो। तो ये तो टेम्पररी रिलीफ है, एक गया तो दूसरा तैयार हो गया, ये तो निरंतर चलते रहेगा। लेकिन दुख का निवारण आत्मा कैसी है? किसी को बोले सब छोड़ के आत्मा ज्ञान कर, वो नहीं कर सकते, क्योंकि उसका मन में झूठ का पति सच को झूठ मानते हैं, सच को झूठ मानते हैं और झूठ को सच मानते हैं। इसीलिए हम लोग अपना देह का रिश्ता में इस संसार में बना हुआ है, लेकिन जब हम बोलते ये मेरा आत्मीय है, आत्मीय कैसे बनते हैं? आत्मा से जुड़ता है तभी आत्मीय बनते हैं। लेकिन आत्मीय में कोई भी हो सकते हैं। तो आत्मा का रूप वही पिता का रूप है, वही माता का रूप है, वही हमारा बेटा का रूप है, वही हमारा बीवी बच्चा सभी उसी में है, आत्मा में समा हुआ है। आत्मा गण होते जो रिश्ता झूठा है वो कभी टूटते नहीं, लेकिन झूठ का रिश्ता हमेशा टूट जाते हैं। देव का रिश्ता कितना दिन रहेगा आपके साथ? टूट जाएगा। इसीलिए भगवान बोलते हैं वो प्रकाश लाओ जिस प्रकाश से तुम्हारा ये भ्रम दूर हो जाए, सच क्या झूठ क्या है, तब तुम्हारा चिंता भय से हमेशा मुक्त हो जाओगे। तो इसीलिए बोला लाइट इज द पावर ऑफ गॉड, विच द रिमूव द ऑल डार्कनेस ऑफ आवर लाइफ। तो आप लोग चाहते हैं जो दुख का निवारण, तो आपका अंदर ही वो शक्ति है, उसको जागृत कीजिए और वही भक्ति विश्वास, क्या बोला, सत्तावान लंपत ज्ञानम,
विश्वास ही धर्म मूलम। विश्वास कहीं से खरीद के नहीं मिलेगा। तो हम लोग अपने जीवन का चलते हुए रास्ता में जो हम लोग विश्वास को प्राप्त किया, वही विश्वास आप लोग को हम देने आया। हमारा विश्वास जो है, मैं वही बोलता हूं। तो एक संत काफी दिन तपस्या किया, गांव का एंड में तपस्या कर रहे थे, तो गांव वासी बोला, जो भाई ये बाबा जी काफी लंबी समय तक तपस्या कर रहे, इससे कुछ हासिल कर लो, कुछ प्राप्ति कर लो। तो बाबा जी को बुलाया, बाबा जी आके बोला, भाई भगवान में किसका विश्वास है, हाथ उठाओ। तो सारी गांव हाथ उठा दिए। तो बाबा जी नीचे उठ के जा रहे, तो बोला, अरे बाबा जी आप तो कुछ बोला ही नहीं। बोले, हम तो वही भगवान का विश्वास दिलाने आए, तो ऑलरेडी तो सबका अंदर विश्वास है, तो हम कैसे विश्वास दिलाए। तो आप लोग का जो इसमें विश्वास है वो आप छोड़ेंगे नहीं, उसी को पकड़ कर रखेंगे, तो हम कैसे विश्वास दिलाए। फिर गांव वाला के पौधा ने बोला, है क्यों याद नहीं उठाना। बस फिर आके पूछा, भाई विश्वास है, कोई हाथ नहीं उठा। फिर जा रहे, भाई जिसका विश्वास नहीं है उसको मैं विश्वास नहीं दिला सकता। तो विश्वास, एक विश्वास को आप पकड़ के रखे हैं, जो हम विश्वास कैसे दिलाऊं। और जो विश्वास नहीं है उसको अपना कोई विश्वास नहीं दिला सकते। इसीलिए आप विश्वास हासिल करो और तभी ज्ञान प्राप्ति कर सकते हैं। तो आत्मा हमारा अंदर ही है, और जिसको साथ जोड़ने से भगवान बोलते हैं, माँ और पितृ कुंते पुनर्जन्म न विद्यते न पुनरावृत्ति अर्जनो। आज इतना ही बोल के समाप्त करता हूँ। आगे काल का दिन रहेंगे और आप लोग को सुनाऊंगा। विश्वास रहे या ना रहे तब भी मैं सुनाऊ, कोई ले या ना ले तो कोई बात नहीं है, क्योंकि हम तो बेचने वाला नहीं, शोरूम वाला हूँ। देख के जाओ कितना सुंदर सुंदर चीज को। तो इसीलिए काल का दिन हम लोग का महत्वपूर्ण है। यहाँ माला का भक्त लोग, इसका छोटा महाराज का परिवार लोग, सभी अपना सहायता से छोटा महाराज का प्रतिमूर्ति बनाया गया है। अब काल इसका गुरु जी का बाई तरफ इसको प्रतिष्ठित किया जाएगा। तो आप लोग सभी टाइम दे देते हैं, 11 और 12 के बीच में ये मूर्ति उद्घाटन करेंगे। तो सभी जहाँ सुन है सबका निमंत्रण करता हूँ। आज का सत्संग जो भी सुन रहे हैं सब यहाँ आ सकते हैं। हम लोग का सब रकम अरेंजमेंट रखा है, रहने का खाने का सब कुछ रखा है, आप लोग आ सकते हैं। दूसरा बात है, छोटा महाराज हम लोग को परिचित है, हम लोग को सादा बाबा भी अचानक उसको भी ये देहांत हो गया, वो भी अपना रहते था कटनी से कितना दूर, डिंडोरी में, तो उसका भी देहांत हो गया। वो भी अपना गुरु जी का एक ब्रह्मविद्या वहाँ का आदमी का प्रभाव रखा है। तो मेरा को भी बोलता था, आप आओ, तो मैं अब जाऊंगा। तो सिर्फ हमने ये दफे बोला था मैं आ जाऊंगा अभी दुर्गा पूजा के बाद ही, तो उसने बोला जो थोड़ा सा आपको आने में तकलीफ होगा, तो इसलिए हम लैट्रिन बाथरूम सही कर लेता हूँ फिर आपको बुलाएंगे। इसका बीच भी उसका देहांत हो गया, तो हम लोग उसको भी शरण करता हूँ।
वहाँ भी भक्त लोग जाएंगे, देखेंगे वो क्या कर रहे, तब फिर आगे हम बता सकते हैं। और सिलीगुड़ी जाएंगे तो उसके परिवार में क्या कौन कौन है उसको बुला के बात करूँगा। तो हम लोग का साथ ही चलने वाला और भी एक संत, उसने भी ब्रह्मविद्या का प्रचार करते करते वो भी चला गया। आना जाना जिसके टाइम जितना दिया है उतना तो रह गए वो, और इसका बीच में जो कर्म करके जाते हैं वही चीज रह जाते हैं, ज्ञान और कर्म। तो इसीलिए वो भी श्रद्धा का पात्र है सबको। तो हम लोग उसका नाम भी स्मरण करेंगे, क्योंकि यहाँ का वासी जानते नहीं। तो अभी सब मंदिर में उसका एक फोटो रखेंगे, जैसा यहाँ अखंडवी माँ भी अपना गुरुजी का प्रिय शिष्य था, वो भी अपना आश्रम का अंतिम सांस तक आश्रम का सेवा करते हुए उसका भी देहांत हो गया। तो हमारा आश्चर्य लगते हैं जो गुरु जी जाने के समय, जब उसका समाधि का टाइम हो गया 7 दिन पहले, 3 महीना पहले बोला मैं 3 महीना बाद चला जाऊंगा, 7 दिन का पहले मेरे को बुलाया, मैंने गुरु जी के पास किया तो यही बात बोला, जो इसका नाम पहले जो नाम था दुलाल, बोले इसका हम जाने के बाद इसका संन्यास देने चला, ये गुरु जी बोल के गया था, और नाम क्या होगा ये भी बोल के गया था। ये दोनों बात कोई नहीं जानते हैं, क्योंकि मेरा कबूल किया गया था। जो इसको संन्यास संस्कार दे कर देना, मैं कर नहीं पाया, और इसका नाम क्या होगा आदित्य चेतन ब्रह्मचारी, तो ये बोल के गया था। हमने उसको संन्यास संस्कार किया, एक साथ रह के साधन भजन किया, और अंतिम जल समाधि भी मैं किया। तो मेरा कितना ये होता है, जो इतने छोटे उम्र में चलते फिरते कभी कोई बीमारी नहीं हुआ, चलते फिरते वो चला गया। तो जाने के समय उसका कोई डार्क एलर्जी था, जिसका कारण हमने अभी डॉक्टर से बात करते तो बोलते 20 मिनट टाइम देते, 15-20 मिनट। तो हम लोग उसके जाते रहते एम्स का, अंदर जाने के पहले ही उसका देहांत हो गया। तो इसी प्रकार जो हम लोग का सबका निश्चित टाइम है जाने का, ज्ञान जब तक है अच्छे से अच्छा काम कर लो, जो हमेशा आपको याद रखे। तो इसका बीच में छोटा महाराज जो गया था करीब 90 के 92 ऐसे होगा, 90 91 के 2 है, अभी मेरा कोई याद नहीं आ रहा है, लिखा हुआ है उसके। हाँ 88 होगा। तो मैं गुरुजी जाने का बात ही उसका आया, तो उसके बाद ही उसका संस्कार हो गया। तो
और 19 में वो चला गया। तो करीब इधर हो गया 23-32 साल हम लोग को साथ रहा, तो सबका प्रिय था। और वहाँ का भी जो भी भक्त लोग वहाँ बच्चे लोग आता था उन लोग का तो अति प्रिय था। तो अभी भी जो बाहर दूर दूर से भक्त लोग आते हैं तो सभी उसको याद करते हैं, कर्म और ज्ञान। अभी जो जो का बात वो बोल के गया, पंजाब का भक्त लोग आते हैं तो वो लोग भी बोलते हैं, जो राजस्थान से आते हैं वो भी बोलते हैं, जो जहाँ जहाँ सब भक्त लोग आते रहते था आश्रम में सभी उसको याद करते हैं। तो हमारा मंच में कोई ऐसी कर्म करके जाए तो हमारा प्राउड फील होता है, जो हमारा परिवार में कोई एक ऐसी कर्म किया जिसने हमारा परिवार को सत मार्ग को दर्शन करा के किया, और जिसका कारण आज सारी भारतवर्ष में जहाँ जहाँ भक्त लोग हैं और विदेश में भी है छोटा महाराज को सभी जानते हैं और श्रद्धा विश्वास करते हैं। तो कल हमने 11 बजे से 12 बजे का अंदर इसका मूर्ति का उन्मोचन करेंगे, फिर आप लोग जो पुष्प से पुष्पांजलि करेंगे, आरती होगा, भजन होगा, सत्संग होगा, फिर भंडारा होगा। उसका नाम से हम लोग वहाँ से 25 कंबल दिया है जो आश्रम की तरफ से बांटने के लिए, और जो बच्चा लोग के लिए व हैंडीकैप के लिए कुछ और भी वस्त्र रखा है उनको दिया जाएगा। तो अच्छे से अच्छा काम करके जाए तो हमेशा मनुष्य याद रखती है। जैसे मालदा में बच्चू बर्मन विकास और अजीत डॉक्टर सबने वह वहाँ का जो भी काम कर रहे, काम करने के साथ ठोकर मुकुर तो लगते रहते लेकिन तभी ठुकराते हुए भी चल रहे, काम बन रहे। तो वही जो सब कुछ को पार करना पड़ेगा, वही रुकेगा कोई बोले नहीं चलो, तो ये हमेशा लगा रहते हैं। ये हर जगह है, हर परिस्थिति में, संसार में भी है और कर्म करने में यही पद्धति है। कर्म करने इस मुक्ति कोई कर्म नहीं होता है, तो कर्म करने के समय संघर्ष करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए हमने कल सबको 11 बजे से पहले सब आ जाए, जो गायक है आके भजन सुनाए, और 11 बजे से 12 बजे का अंदर मूर्ति का उन्मोचन करके हम है अखंड बाबा है और आश्रम का तरफ से ही तो बाकी और सभी आश्रम का भक्त है। तो इसीलिए हम लोग उन्मोचन करा के चले जाएंगे, उसके बाद हम लोग फिर सेवा करते रहिए और उसका आदर्श को ग्रहण करते रहिए। ये बोल के यह समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पुनः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।